नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीम्स को। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं से कोई चीज की कमी न रह जाए, इसकी देखरेख लगातार चल रही है। जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि चुनाव आयोग को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद दिया है, जरा आप खुद सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव किरणभेदी बच चुकी है। चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है और हम चुनाव आयोग का साधुवाद करते हैं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत पेचीदगियां और जितनी बारीकियां से इस बात का अध्ययन किया, तिथि निकालने से पहले इस बात को देखा कि बच्चों की परीक्षाएं बाधित ना हो। हर राज्य में उन्होंने अपनी टीम भेज करके वहां की स्थिति स्पष्ट की और बड़ी अच्छी से चुनाव निकाला। और भारत का चुनाव आयोग पूरे विश्व में एक बड़े से बड़ा चुनाव करने के लिए जाना जाता है, इसके लिए हम चुनाव आयोग का साधुवाद करते हैं और इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जहां तक जदयू का सवाल है, हम पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो बिहार में विकासात्मक कार्य किए गए हैं, जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसके सकारात्मक प्रभाव जनता के बीच में है। जनता भी उत्साहित है माननीय नीतीश कुमार को वोट देने के लिए और कार्यकर्ता भी उत्साहित है और निश्चित ही, और जिस तरह केंद्र सरकार ने, एनडीए की केंद्र सरकार ने भी विकासात्मक कार्य किए, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य किए, सराहनीय कार्य किए, जन कल्याणकारी कार्य किए, उसके भी सकारात्मक पहलू हैं। इन लोगों को मिला करके पूरी जनता प्रभावित है और हम पूरे आम चुनाव में तैयारी के साथ हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और जहां तक आपका प्रश्न है महागठबंधन से डरने का, अरे चुनाव में तैयारी हमारी है, जनता हमारे साथ है, तो हम डरेंगे क्यों? महागठबंधन एक वैसे जिनेताओं का जमावड़ा है जो अपने निजी स्वार्थवश ये सत्ता के लोलुपता के कारण इन प्रकार इन सत्ता प्राप्त हो उनकी कहे वो नकारात्मक राजनीति करते हैं। जनता पूरी तरह से देख रही है, महागठबंधन से हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। महागठबंधन आपसी अंतर विरोध में ही कोलैप्स कर जाएगा। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और जनता के द्वार पर हम लोगों ने जो जनता के लिए काम किया गया है उस पर हमें विश्वास है, जनता पर विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता वो जो पूरी तैयारी से है और हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। तो आपने सुन लिया किस तरीके से डॉक्टर सुनील ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं वह धन्यवाद के पात्र है। किस तरीके से बच्चों के एग्जाम का भी ख्याल रखा गया है, इसके अलावा कई और जो सख्तियां बरती गई हैं, इसलिए डॉक्टर सुनील ने जदयू ने धन्यवाद दिया है चुनाव आयोग को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लोकसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले हम आपको रूबरू करा सकें, सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचा सकें। और साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर खबरों को आप विस्तार से वहां जाकर पढ़ सकें। धन्यवाद।